सुबह सुबह की धूप की बात ही कुछ और होती है। जैसे अधिकतर ठंड के मौसम में आप लोगों को याद होगा कि बचपन में स्कूल में प्रेयर के पहले अधिकतर बच्चे ठंड में धूप में ऐसे खड़े रहते थे, वो एक अलग ही वाइब आती होती थी। वॉक पे आया था और वॉक पे आते हुए मुझे एक कुछ दिखा जो भी भाग गया है। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। कहाँ भाग रहे हो भाई? चला गया। आज मौसम अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि वॉक पर चलते हैं। और आज का दिन भी अच्छा है, दिवाली भी आने वाली है तो कुछ अच्छे अच्छे डिसीजंस भी लेने हैं, तो अभी वॉक पर चलते हैं। गली से बाहर निकलो कोई दिखे नहीं दिखे, लेकिन ये लोग जरूर दिखेंगे। देखो मैं दे रहा था तब खा नहीं रहा था वो, और अभी तो ये भाई साहब भी धूप के मजे ले रहे हैं अभी ठंड में। कहाँ गया वो? ये रहा। नहीं खाना है? इन लोगों को भी आलसी आती है क्या? जैसे वो लेटे लेटे खा रहा है वो भी। एटलीस्ट आप लोगों को जब भी स्ट्रे डॉग्स दिखे तो उनको मारने के बजाय कुछ खिला दिया कर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि दो बच्चे एक डॉग को मतलब पत्थर से मार रहे थे, भगा रहे थे। हैप्पी दिवाली भाई लोगों। दिवाली की। अरे हार्दिक बधाई भैया, हार्दिक बधाई। और तुम एक बात बताओ, तुम दोनों को तुम दोनों कैमरे पर हो? मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तुम्हारा कॉल आ गया, तुम स्पीकर पे हो। तेरी कसम, देख पागल नहीं विश्वास हो रहा ना तेरे को? और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे 9 नवंबर हम लोगों को चालू करना चाहिए या नहीं? जैसे कि मैं बता रहा था कि दिवाली के टाइम, और दिवाली के टाइम पर कुछ ना कुछ अच्छे डिसीजन लेने चाहिए मुझे, और वो डिसीजन है मेरी फिटनेस को लेकर। ठीक है, हाँ, किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उस चीज़ की प्रिपरेशन के लिए मुझे थोड़ा बहुत वेट लॉस करना पड़ेगा। वेट लॉस मतलब अराउंड अभी मेरा वेट है 75 kg के अराउंड मेरा वेट है अभी। ठीक है, तो मुझे कम से कम 7 से 8 kg वेट कम करना है वहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए। मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया है कि क्यों ना इस प्रिपरेशन को एक फिटनेस सीरीज में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में कन्वर्ट कर दिया जाए। मैं भी स्क्रीन पर मेरी फ़ोटो लगा दूंगा, जो अभी मैं जितना वेट गेन कर रहा हूँ ना, देख लेना आप लोगों। और आज के टाइम पर कौन नहीं चाहता यार कि वो एक अच्छी सी उसकी फिजिक हो, उसको कपड़े वपड़े भी एकदम प्रॉपर आए, स्टमक ज़्यादा बाहर नहीं दिखे। और इन केस अगर मेरे वीडियो से अगर एक बंदा भी इंस्पायर होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि नहीं, मुझे देखकर एक बंदा इंस्पायर हो रहा है। और फिटनेस का मतलब ये नहीं कि मैं कोई 16 का डोला, 46 की छाती और 6 पैक, भयंकर बॉडी, नसें फट रही है, ऐसी बॉडी नहीं बनानी है और ना उस पर काम नहीं करना। मुझे मेरे स्टेमिना, मेरी बॉडी की जो सिमेट्री है, अभी आप देख रहे हो ना ये गोलू मोलू फिजिक मेरी अच्छी दिखे हल्की सी, बस वही बहुत है, और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाए बस। इतनी फिजिक की बात करूँगा,
और आप उस चीज़ को आपके डेली रूटीन में भी अप्लाई कर सकते हो। मैं कोई ज़्यादा डाइट वाइट वगैरह भी ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं करूँगा, हाँ थोड़ा बहुत मैं अपने डाइट में चेंजेस ले आऊँगा जिससे मुझे मेरी बॉडी को थोड़ा फ़ायदा मिले। इंडियन फूड जो होता है, इंडियन फूड में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे जो रोटी है और अपन तला गला जो तेल का बहुत खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट बहुत ज़्यादा होता है, और हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक अमाउंट तक एनर्जी के लिए स्पेंट होता है, पर जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट रहता है ना वो फैट में कन्वर्ट होते जाता है और धीरे धीरे हम फैट गेन करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे रवे मैदे का जो ये इतनी अच्छी तली गली चीज़ें अपन खाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मुझे फैट लॉस करने के लिए क्या करना होगा, मुझे फैट लॉस करने के लिए कैलरी डिफिशिएट में जाना होगा। ऑन एन एवरेज एक आदमी मतलब 2700 से 2500 कैलरी बर्न करता है इन अ डे, और एक फीमेल रहती है वो बर्न करती है 2000 से 2200 तक की कैलरी बर्न करती है। तो मुझे उस एवरेज से थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, ओके मतलब थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। और कैलरी डिफिशिएंट का मतलब ये नहीं कि आप दिन में एक ही टाइम खाना खा रहे हो, बहुत उपवास रख रहे हो, खाना कम खा रहे हो, उससे आपका वजन लॉस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेरा रूम पार्टनर भी एक एग्जांपल है, वो ऐसे ही करता था कि एक टाइम खाना खाता था और ऐसे ही रहता था। रिजल्ट क्या मिला, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई और वो बीमार पड़ गया। हालांकि मैं उसका नाम नहीं लूँगा वरना मेरे को गालियाँ देगा वो। तो मैं करूँगा क्या, मैं थोड़ा बहुत मेरे डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम कर दूँगा, थोड़ा सा प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दूँगा और हल्का सा एक वर्कआउट करूँगा। और जैसे जैसे मैं मेरी सीरीज़ बनाते जाऊँगा ना, तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा कि हाँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्यों खा रहा हूँ। अभी मैं आपको सब बता नहीं सकता, फिलहाल मुझे बहुत सारा काम है और शाम को मैं घूमने जाने वाला हूँ और 2 दिन दबा के खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को जाना है अब वर्कआउट और डाइट वाइट इन सब में रहना है। तो कर नहीं सकते ना अपन, बार बार प्लान करा था कि मैं थोड़ा बहुत डाइट वाइट फॉलो करने वाला हूँ तो दिवाली तक कुछ ना कुछ ज़रा अच्छा खा लूँ, जिसके बाद 1-2 महीने तक वैसे भी नहीं खाना है। फिलहाल तो मैं तैयार हो गया हूँ, स्मार्ट तो लग ही रहूँगा। अब माउंट लगा लिया है तो लेट्स गो फॉर राइड। चल मुकेश। वाह यार, इसको देख कर बचपन की याद आ गई, ये हम लोग वैसे घूमते थे। वाह यार, दिवाली में अलग ही चहल पहल रहती है, लाइटें वाइटें पटाखे वटाखे। नवरात्रि पर भी ऐसे ही रहता है क्यों, मतलब दिवाली की बात अलग है यार। हम लोग तो दिवाली पर है ना क्या करते थे, जैसे घर में पूजा वूजा सब हो जाती थी, हम मतलब 3-4 दोस्त लोग ऐसे एक गाड़ी में 3 लोग बैठ जाते थे, मैं बीच में बैठता था और एक गाड़ी चलाता था, वो आदर्श ने शायद आदर्श गाड़ी थी, उतना ध्यान नहीं है। 3 लोग दोस्त बैठते थे तो एक मतलब माचिस जलाता था और मैं हाथ में ऐसा बम लेके बैठता था और एक गाड़ी चलाता था, तो ऐसा लोगों के घर में बम फेंकते जाते थे हम। और ऐसा रहता ना उस टाइम में, ऐसा रहता था कि सर टीचर से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन रहती थी तो उनके घर पर जाकर और ज़्यादा बम फोड़ते थे। हाँ, उनके घर स्पेशली फोड़ते थे। अभी ना ये सुन सर टीचर ऐसा मत सोचना कि मेरे घर ना इसने बम पक्का फोड़ा होगा। इंदौर में इतना क्राउड नहीं रहता है दिवाली के टाइम में, क्यों मतलब अंदर अंदर रहता है, सिटी में नहीं रहता है। देखना अभी भावरू का भी अपन भोलाराम तरफ जाएंगे ना, दारा में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स की चहल पहल, स्टूडेंट जोन है बहुत बड़ा, कोचिंग वगैरह वहाँ पे ज़्यादा है। और अगर मेरी लैंग्वेज में किसी को ऐसा लगे ना कि मैं लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी बोलता हूँ, कई देखो मेको, तो ऐसा है कि एक निमाड़ और मालवा का टच रहता है ना यहाँ की लैंग्वेज में, तो इसी तरह बात करते हैं यहाँ, इसलिए मेरी टोन थोड़ी वैसी है, तो इग्नोर इट। ओके, इंदौर में बहुत सारे चाय सुट्टा बार खुल गए यार, देख अपने इधर भी खुल गए, देख वो देखना भाई मेरे केसर लाल के साइड में। ओ कौन ये बंद करते, 11:30 बजे करते हैं। नहीं मैं यहाँ तो गया ही नहीं हूँ, अभी चलते ना अपन उधर बैठेंगे ना, बहुत देर तक बैठेंगे। नहीं भाई तू पढ़ाई भी करना, तेरा पेपर है। ओ
ओके ब्रदर, ये जो हमारे यहाँ से I-5 पार्क तक का जो रोड है, वो रोड है ना ऐसा बहुत ही बेकार है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी से ये ऐसे जो रोड है ना ये कब हटेंगे, हाईवे पर कब आएगी मेरी लाइफ मुझे ही नहीं पता। आएगी आएगी, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट। ऐसे ही नहीं किसी को कुछ भी मिल जाता है, am I right? ओ भाई अंधेरे में समझ में नहीं आता यार, मतलब मैं कुछ बात बोलूँ ना तो ऐसा मत समझना कि मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ ना, मैं इधर कैमरे पे भी बोल रहा हूँ। कोई शहर को धुआं धुआं नहीं कर रहा है यार, अच्छा बात है, अभी कुछ चल रहा है ना धुआं धुआं कर देंगे। आउ डाला रहता है ना, देख खाली पूरा, तो यहाँ बाहर के लोग ज़्यादा रहते हैं ना, खाली पूरा देखिए। और क्या, ये देख ये कितनी भीड़ रहती, पूरा खाली है, देखो खाली खाली इंदौर। अरे मैच वाला मैच की तो याद ही मत दिलाओ, न्यूजीलैंड वाली। डोसा वगैरह खाते हो और क्या, ये रहा रमेश साउथ इंडियन डोसा, इंदौर में बहुत फेमस है ये रमेश डोसे वाला। मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जब भी मेरा मन होता है ना साउथ इंडियन फूड खाने का तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ज़्यादा लेट कर रहे यार, बताना चलेंगे ना, चाय पीने भी चलेंगे, हम चाय पीने भी जाएंगे, उससे परमात्मा से देख रहे हैं कि भाई कैमरे में क्या कर रहा है, ऐसा ना थोड़ा थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है कभी कभी लोग बात करते हैं। अभी मैं नहीं मानता, अभी देख इतने सारे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर दो तो कितना मजा आए, क्या बोलूं यार, तुम्हारे जिंदगी खराब हो गया भैया, 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। गड़बड़ चम्मच दे देना, दो चम्मच, थैंक यू भैया। आगे देखते हैं और क्या मिलता है, अब चलते हैं भोलाराम, द मोस्ट क्राउडेड एरिया, ये बहुत क्राउडेड एरिया है और अभी इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर, वरना भीड़ इतनी रहती है, जो गाड़ियाँ जो दिख रही खाली ये कभी दिखती नहीं है। कभी मेरे को अनादर कभी ब्लॉक में मेरे को ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आऊँगा आपको दिखाऊँगा यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है। और जो मुझे जानता हो और जो इंदौर को जानता हो उसको तो पता ही होगा कि यहाँ कितनी भीड़ रहती है, देखा क्राउड नहीं है यहाँ पे अभी, वरना बहुत भीड़ रहती है। क्या हो गया ब्रदर, क्या हुआ, क्या हो गया, राजा ने यार। तो अब हम आ गए चाय सुट्टा बार पर, बार के बारे में बताने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, फिलहाल चाय वाय पीते हैं वहाँ पर। ये केसर फ्लेवर नया आया क्या, यह है बहुत बार, ये केसर फ्लेवर है क्या, यू आर ऑन कैमरा, ठीक है दो केसर भी है ना, ठीक है दो केसर कर लो। तो हमारे केसर फ्लेवर की चाय आ गई है, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, देखते हैं कितनी अच्छी लगती है। तो इसी के साथ हम घूम भी लिए हैं, काफ़ी सारा कुछ खाया भी हमने,
बहुत सारा शूट भी नहीं किया क्योंकि क्राउड भी अलग अलग जगह मेरी करता है, इसके कारण मैंने शूट भी नहीं करा। और इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।